आदमपुर के चुनावी रण में बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला की भी एंट्री हो चुकी है। सुभाष बराला इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सुभाष बराला जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज घेराबंदी किए हुए थे कुलदीप बिश्नोई की, राम रवि के नाम पर अनाज मंडी में चारों तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्यकर्ताओं और वोटर्स के साथ नजर आ रहे थे। देखिए, निश्चित रूप से हुड्डा साहब को नजर आना चाहिए। हुड्डा साहब जनता के बीच में आएंगे तब ही तो लोग इस बात की तुलना करेंगे कि हुड्डा साहब के राज में आदमपुर के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ था। जनता के बीच में आएंगे तो लोग सवाल भी करेंगे। मैं कहता हूँ अच्छी बात है कि आज हुड्डा साहब आदमपुर के अंदर आए हैं। सवाल तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी चुनाव प्रचार के लिए आदमपुर के चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी हो चुकी है। जी, निश्चित रूप से मनोहर लाल जी भी चुनाव में आएंगे और यहाँ के जो हमारे कार्यालय के इंचार्ज हैं वो सब बातों के ऊपर विचार कर रहे हैं कब उनका कार्यक्रम बनाया जाए। निश्चित रूप से आदमपुर की जनता के साथ संवाद उनका होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं लेकिन खाली हाथ नहीं आए हैं, कामों की फेरिस्त लेकर आए हैं। 10 साल बतौर मुख्यमंत्री जो भी काम आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए उनकी फेरिस्त के साथ पहुंचे। देखिए, हम लोग भी तो खाली नहीं बैठे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बेशक यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा चुनाव जीत करके नहीं गया, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से यहाँ की जनता की जो समस्याएं थी, अपेक्षाएं थी, वो सारी जो आई, निश्चित रूप से उनके ऊपर काम हुआ है और वो हमारे लोग भी साथ लेकर के जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि तमाम वोटर्स से कि आप ये मत मानिए कि 2-3-4 महीनों से ही कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। दरअसल 1 साल का लंबा अरसा जब भाजपा ही हो चुके थे कुलदीप बिश्नोई। देखिए, वो तो कौन क्या कह रहा है ये सब लोगों को पता है, कौन कब भाजपा ही हुआ कौन कब नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि आज यहाँ के क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से प्रभावित है। उसमें जनता भी शामिल है और उसमें कुलदीप बिश्नोई भी शामिल है। सुभाष बराला साफ तौर से बात कर रहे हैं कि जीत का यकीन उनकी पार्टी को है और लगातार विकास की रफ्तार आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी प्रचार के लिए पहुंचेंगे और उसका फायदा भी भव्य बिश्नोई को होगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।